भविष्यवक्ता। परमेश्वर हमेशा इसराइली लोग नाउन के जवर भविष्यवक्ता नाउन को भेजत होती। भविष्यवक्ता परमेश्वर से संदेश नाउन को सुनत होती और दोबारा ओको लोग नाउन को बतात होती। जब अहाब राजा इसराइल पे राज करत होती तो वह समय एलिया भविष्यवक्ता होती। अहाब राजा एक बुरो मानुष होती। उन्हें झूठे बाल देवता की उपासना करवान के गुना लोग नाउन को मजबूर करे होती। एक गुना एलिया ने अहाब से कहिस कि परमेश्वर उन लोग नाउन को दंड देन वालों है। उन्हें ओके से कहिस, जब तक मैं दोबारा से बारिश होन के गुना नी कहूँ तब तक इसराइल के राज्य में बारिश नी होए और नी ओस गिड़े। या बात ने अहाब को इतनो गुस्सा वालो कर दे कि उन्हें एलिया को मार डालन को फैसला करिस। एक गुना परमेश्वर ने एलिया से कहिस कि वो जंगल में जाए के अहाब से लुक जाए। एलिया जंगल में वह सोता के जवर गईस जहाँ पे जान के गुना परमेश्वर ने ओ को बताए होतीस। हर सुबह और हर शाम को पक्षी एलिया के जवर रोटी और मांस को लेके आत होती। यो पूरो समय अहाब राजा और ओ की सेना एलिया को ढूंढत होती मगर ही लोग ओ को ढूंढ नहीं सकीन। बारिश नहीं होन के कुछ दिन बाद वो पानी को सोता सूख गई। एक गुना एलिया जवरच के एक देश में चलो गई। वो देश में एक गरीब विधवा रहत होती और ओको एक टूरा होती। ओके जवर जेवन लगभग खत्म भय गई थी काया कि वहाँ पे कोई फसल नहीं हुई होती। मगर दोबारा भी वह विधवा ने एलिया की देखरेख करी। एक गुना परमेश्वर ने ओ की और ओके टूरा की जरूरत नाउन को पूरो करी। या कारण से ओके आटा को बर्तन और ओके तेल की डबकी कभी खाली नी भई। हु पूरे अकाल के समय ओके जवर जीवन को सामान होती। एलिया कुछ साल तक वहाँ पे छोतीस। 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने एलिया से कहिस कि हु दोबारा बारिश भेजे। उन्हें एलिया से वापस इसराइल के राज में जाए के अहाब से बात करन के गुना कहिस। एक गुना एलिया अहाब के जवर गईस। जब अहाब ने ओको देखिस तो उन्हें कहिस, अच्छा तो तू चास मुसीबत पैदा करन वालो। एलिया ने उत्तर देस, मुसीबत पैदा करन वालो तो तू चास, तूने यहोवा को छोड़ देसस। पर हु खरो परमेश्वर आए मगर तू बाल देवता की उपासना कर रहेसस। अब तो को इसराइल के राज के सपाई लोग ना उनको करमेल पहाड़ी पे लेके आनो है। एक गुना सपाई लोग करमेल पहाड़ी पे गईन। ही मानुष भी आईन जो कहत होतीन कि ही बाल देवता के संदेश को बोलतत और ही बाल देवता के भविष्यवक्ता होतीन। ही सपाई 450 होतीन। एलिया ने लोग नाउन से कहिस, कब तक तुम अपने मन को दूसरे देवता के किना रखो। अगर यहोवा परमेश्वर है तो ओकी आराधना करो। अगर बाल देवता परमेश्वर है तो ओकी उपासना करो। फिर एलिया ने बाल के भविष्यवक्ता नाउन से कहिस, एक बैल को बलि करके ओके मांस को बलिदान होन को एक वेदी पे रखो पर आगी मत लगाने। ओके बाद मैं भी वसुच करूँ और एक दूसरी वेदी पे मैं हु मांस को रखूँ। तब अगर परमेश्वर वेदी पे आगी गिराते तो तुम जान लेने कि हुच खरो परमेश्वर है। तब बाल के भविष्यवक्ता नाउन ने एक बलि को तैयार करें पर आगी नी लगाइन। तब बाल के भविष्यवक्ता नाउन ने बाल देवता से प्रार्थना करीन कि हे बाल देवता हमारी सुन। पूरे दिन भर हुन ने प्रार्थना करीन और चिल्लान लगीन यहाँ तक कि खुद को चाकू से काट लेन। पर बाल देवता ने उत्तर नी देन और हुन ने कोई आगी नी गिराइन। बाल के भविष्यवक्ता नाउन ने
बाल से प्रार्थना करण में लगभग पूरो दिन बिता देन। आखिर में हुन्ने प्रार्थना करनो बंद कर देन। फिर एलिया ने दूसरे बैल के मांस को परमेश्वर की वेदी पे रखीस। ओके बाद उन्हें लोगनाउन से पानी के बड़े बर्तन को वह बलिदान पे तब तक रिचोन के गुना कहीस जब तक कि मांस लकड़ी नाउन और यहाँ तक कि वेदी के आसपास की जमीन पूरे तरीका से ओली नी हो जाए। तब एलिया ने प्रार्थना करीस, हे यहोवा अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमा को दिखा कि तू इसराइल को परमेश्वर आस और यो कि मैं तो रो दास आम, मोको जवाब दे ताकि जेके से लोग जान लेत कि तू सच्चो परमेश्वर आस। तुरुतच आकाश में से आगी गिड़ी और ओने मांस लकड़ी नाउन चट्टान नाउन माटी और यहाँ तक कि वेदी के आसपास को पानी भी जला देस। जब लोग नाउन ने देखिन तो ही जमीन पे गिड़ पड़ीन और बोलिन, यहोवाच परमेश्वर आए, यहोवाच परमेश्वर है। तब एलिया ने कहिस, बाल देवता को एक भी भविष्यवक्ता बच के नी जाए पाए जे। एके गुना लोग नाउन ने बाल देवता के भविष्यवक्ता नाउन को पकड़ ले और उनको वहां से दूर ले गईन और उनको मार देन। तब एलिया ने अहाब राजा से कहिस, जल्दी से अपने घर को चले जा, काया कि बारिश होन वाली है। जल्दी कारो बादल भय गईस और बड़ी बारिश शुरू भय गई। यहोवा हु सूखे को खत्म करत होती। एके सेच मालूम भईस कि यहोवाच सच्चो परमेश्वर है। जब एलिया ने अपने काम को खत्म कर देस तो परमेश्वर ने एलिसा नाम के एक मानुष को अपनो भविष्यवक्ता होन के गुना चुनीस। परमेश्वर ने एलिसा के जरिया से कई सारे चमत्कार करीस। एक चमत्कार नामान के संग भईस, हु एक दुश्मन की सेना को सरदार होतीस, पर ओको चमड़ी को एक भयंकर रोग होतीस। नामान ने एलिसा के बारे में सुने होतीस। एके गुना हु एलिसा के जवर आईस और ओने ओको साजरो करन की बिनती करीस। एलिसा ने नामान से कहीस कि तू जाय के यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। तो नामान गुस्सा भय गईस, ओने अशोक करण से इनकार कर दीस, काया कि यो को मूर्खता को काम लगत होतीस। पर बाद में ओने अपने मन को बदल लीस और जाय के यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाईस। जब आखिरी बार वो पानी में से बाहर निकलीस तो परमेश्वर ने ओ को साजरो कर दी। परमेश्वर ने इसराइल के लोग नाउन के जवर कई दूसरे से भविष्यवक्ता नाउन को भेजीस। उन सब पाई लोग नाउन ने मूर्ति नाउन की उपासना बंद कर देन के गुना कहीन। एके बजाय एक मेक के संग न्याय से व्यवहार करे पाई जे और एक मेक पे दया करे पाई जे। उन भविष्यवक्ता नाउन ने लोग नाउन को चेतावनी देन की उनको अपने बुरे काम नाउन को बंद कर दे पाई जे और एके बजाय परमेश्वर की बात नाउन को पालन करे पाए जे। अगर उन लोग नाउन ने असो नी करीन तो परमेश्वर उनको दोषी मान के उनको न्याय करे और उनको दंड दे। ज्यादा समय ही लोग नाउन ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नी करीन। हमेशा उनने भविष्यवक्ता नाउन के संग बुरो व्यवहार करीन और यहाँ तक कि कभी कभी उनको मार डालीन। एक बार उनने इर्मया भविष्यवक्ता को सूखे कुआ में डाल देन और ओको वहां मरण के गुना छोड़ देन। वो कुआ के खल्ले चिखल में फंस गई। मगर तब राजा को ओके पे दया आई और ओने अपने सैनिक नाउन को हुकुम देस कि इर्मया को मरण से पहले वो कुआ में से बाहर निकाल ले। भविष्यवक्ता नाउन ने परमेश्वर के किना से बोलनो शुरू रखीन। भले ही लोग नाउन ने उनके से नफरत करीन, उनने लोग नाउन को चेतावनी देन कि अगर उनने पाप से पछतावा नी करीन तो परमेश्वर उनको नाश कर दे है। उनने लोग नाउन को यो भी याद दिलाइन कि परमेश्वर ने उनके जवर मसीह को भेजन को वादा करीस है।